एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील अनिमेश शुक्ला को मिलने की इजाजत नहीं, बेटे उमर को मिली इजाजत। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त की एक बड़ी खबर बादा से सामने आ रही है, जहां एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी से मिलने उनके बेटे उमर और वकील अनिमेश शुक्ला पहुंचे थे, लेकिन बादा जेल प्रशासन ने उनके वकील अनिमेश शुक्ला को मिलने नहीं दिया। जेलर ने कहा कि शासन के आदेशानुसार वकील अपने क्लाइंट से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, जिससे जेल के दरवाजे से उनके वकील अनिमेश शुक्ला को बेरंग वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि एम्बुलेंस मामले में हाई कोर्ट से बेल की अपील को लेकर वकील बात करने के लिए आए थे, लेकिन वकील के साथ आए मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को जेलर ने मिलने की इजाजत दी, वहीं आदेशानुसार वकील को मुख्तार अंसारी से मिलने की इजाजत नहीं मिली। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। पापा से मुलाकात हुई जो औपचारिकता करनी थी, नियमानुसार जो हफ्ते में सप्ताह में एक दिन दो लोगों को मुलाकात अलाउ है, तो हम और हमारे वकील साहब मिलने आए कि वकील साहब को नहीं अलाउ किया उन्होंने जी। वकील साहब का कहना है कि एम्बुलेंस मामले को लेकर पूरी जांच पड़ताल की बात कही थी, तारीख लगने वाली, उस पर क्या कहते हैं? एम्बुलेंस प्रकरण में उनकी 16 तारीख को डेट लगी जी, वही चल रहा है पूरा, बाकी तो वकील साहब को क्यों नहीं अंदर मिलने दिया? अब ये तो जेल प्रशासन जानेगा। अच्छा, सूचना तो एक और मिल रही थी कि उनकी तबीयत भी खराब है, कुछ कान में डिस्टरबेंस है। तो निश्चित रूप से खराब है, इसलिए कि वो 16 साल से जेल में जी, और आज तक एक दिन को एक घंटे के लिए कभी सजा नहीं हुई उनको किसी मुकदमे, और सरकार द्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है, और इस वजह से तबीयत तो भाई वो 61 साल के हो गए, जब 60 ईयर्स के हो गए हैं वो, क्योंकि तबीयत तो निश्चित है खराब होना, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के, डायबिटिक हैं और हार्ट पेशेंट हैं, प्लस 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, 16 साल से जेल में, तो जेन्युइन मतलब है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां तो नहीं चल रही हैं कहीं, मतलब चुनाव को लेकर सरकार तैयारी कर रही है कि वो विधायक जी को ना चुनाव लड़ने दे, जिस प्रकार से उनको रोका जा सके रोके, लेकिन जनता फैसला करेगी। क्या आप लड़ेंगे चुनाव इस बार? बिल्कुल, मेरी उम्र नहीं है चुनाव लड़ने।